नमस्ते दोस्तों, हो मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे स्टूडियो। दोस्तों आज मैं डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन जो इंदौर के पास है, पहले मऊ के नाम से जाना जाता है, अभी कैसा दिखता है और अभी उसकी क्या प्रगति है, तो वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आप अभी मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर काम चल रहा है और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नई रेल लाइन बिछ रही है और ये यहाँ पर मीटर गेज हुआ करती थी पहले। मीटर गेज मतलब छोटी, इससे भी ब्रॉड गेज से छोटी लाइन हुआ करती थी और अभी इसका कन्वर्सन हो गया है ब्रॉड गेज में। तो मेरे सामने ही जो आपको वीडियो के माध्यम से जो दिखा रहा हूँ, दो नई लाइनें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर एक अभी ब्रॉड गेज के लिए तैयार होने जा रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर दो पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज को जाने वाली जो ट्रेन है वो खड़ी है। तो दोस्तों ये इस साइड का नज़ारा हो गया है, मैं आपको दूसरे साइड ले जाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप इस साइड अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, अगर ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म साइड का दृश्य है, यहाँ पर आप काम प्रगति पर है यहाँ पर। और इधर भी मैं अगर यहाँ तक के मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि नई लाइन यहाँ पर बिछ रही है प्लेटफॉर्म नंबर से, मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर जो पहले छोटा था अभी वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होकर बहुत ही बड़ा बनने जा रहा है। और अभी मेरे सामने से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज के लिए ट्रेन का प्रस्थान हो गया है। और दोस्तों उसी के बाजू में जो है मालवा एक्सप्रेस खड़ी है। मालवा जो डॉक्टर अंबेडकर नगर से ये जाती है वैष्णो देवी कटरा की ओर जाती है दोस्तों, तो तीन नंबर पर खड़ी है। उसके बाजू में चार नंबर भी तैयार हो रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये प्रयागराज एक्सप्रेस जा रही है। तो दोस्तों अभी क्या है, डॉक्टर अंबेडकर नगर से बहुत दूर दूर से ट्रेनें जाने लग गई है और आने भी लग गई है। भविष्य में ये प्लेटफॉर्म दोनों तैयार हो जाने के बाद में और भी गाड़ियाँ यहाँ पर मिल सकती है। तो इस वक्त वर्तमान में जो है जो जो कार्य हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले ये छोटा सा ब्रिज था, अब ये नया ब्रिज यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, मतलब ये। और ये प्लेटफॉर्म नंबर चार भी आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर भी कार्य प्रगति पर चल रहा है। ये पटरी बिछ रही है और कुछ जगह पटरी बिछाने का काम चालू है। ये प्लेटफॉर्म नंबर चार भी तैयार हो रहा है और ये इस ब्रिज के माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर एक से कनेक्ट हो गया है। और मेरे सामने में ये जो गाड़ी खड़ी है ये मालवा एक्सप्रेस खड़ी है, ये देखिए ये मालवा एक्सप्रेस खड़ी है और ये मेरे सामने से प्रयागराज एक्सप्रेस जा रही है, ये देखिए। तो ये पहले इस तरह से स्टेशन दिखता था, अभी नया जब बन जाएगा तो और भी यहाँ पर स्टेशन खूबसूरत दिखने लग जाएगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर दो से प्रयागराज एक्सप्रेस जा रही है, ये देखिए एंड हो गई ये। और मैं इस साइड का दूर तक के नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।